भारतीय महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेले गए सेकेंड ओडीआई मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से हराया। इस मैच में भारत ने 248 रन का पीछा करते हुए भारत की ओर से पूनम रावत 92 गेंदों में 7 चौके की मदद से 65 रन बनाई और वहीं मिताली राज ने 82 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 66 रन बनाई। हरमनप्रीत कौर ने भारत की ओर से 27 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 39 रन बनाई। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों में काका ने 10 ओवर में 69 रन देकर 3 विकेट लिए और सफल गेंदबाज बनी। कैप ने 9 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट ली और वही इस्माइल ने 9 ओवर में 1 बेडिंग के साथ 41 रन देकर 1 विकेट ली। भारत ने अपना पहला विकेट 34 रन में गवाया, दूसरा विकेट 66 पर, तीसरा विकेट 195 में, चौथा विकेट 196 में और पांचवा 212 में गवाया। तीसरे विकेट के लिए पूनम रावत और मिताली राज ने 129 रन की साझेदारी दिए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से वोल्डार्ट 98 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 69 रन बनाई और वही डुप्रीज 49 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 44 रन बनाई के अलावा ली 54 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 40 रन बनाई। भारत के गेंदबाजों में पूनम यादव ने 10 ओवर में 1 मेडिन के साथ 42 रन देकर 2 विकेट ली और एकता बिष्ट ने भी 10 ओवर में 45 रन देकर 2 विकेट लिए एवं शिखा पांडे 8 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला विकेट 76 रन पर गवाए, दूसरा विकेट 127 पर, तीसरा विकेट 142 पर, चौथा विकेट 201 पर, पांचवा विकेट 222 पर और छठवा विकेट 246 रन पर गवाए। साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए। इस मैच में पूनम रावत को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। Looking up,